Hi, Maximal. How are you? Please, please, please come. तो ये है मेरा घर, मेरा लिविंग रूम। तो आप देख सकते हैं कि लिविंग रूम में मैंने बहुत डिफरेंट जोन क्रिएट करने की कोशिश की है। काफ़ी अर्थी घर है मेरा, मतलब मैंने काफ़ी स्टोन, मेरे वॉल देख के आपको पता चलेगा कि इट्स लाइक मैंने वाइट एक न्यूट्रल चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश की है, सो दैट मेरे घर में बहुत ज़्यादा लाइट हो ना, पूरे दिन में काफ़ी लाइट, मुझे बहुत लाइट से मुझे बहुत ही लगाव है। ये एक बहुत ही स्पेशल फर्नीचर है जो मैं पौंडीचेरी से मंगवाया मैंने। ये पौंडीचेरी में हैंड कार्वन पुराने बिल्कुल एंटीक फर्नीचर है। मेरे बहुत ही पसंदीदा जगह है ऑफकोर्स मेरा मंदिर, इबादतगाह बोल सकते हैं, मंदिर बोल सकते हैं, उपासना गृह बोल सकते हैं, सब कुछ। मैं घर में घुसते ही मुझे दरवाज़ा खोलते ही मुझे भगवान दिखे, घर से निकलते समय आखिरी बार भी मुझे भगवान ही दिखे। और ये मंदिर मैंने पूरा ये बसॉल्ट का बनाया हुआ है, ये स्टोन बसॉल्ट स्टोन है, ब्लैक बसॉल्ट। आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट दैट द केरला आर्किटेक्चर, द केरला गुरुवायूर टेम्पल। अब महाराष्ट्र की तरफ इस तरफ जाएंगे तो एलोरा जो मोनोलिथिक टेम्पल है। तो मैं कुछ और आइडल्स ऑर्डर कर रहा हूँ जो बनने में टाइम लग रहा है, जो ओडिशा से मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। तो वो जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ ऐसे बैकड्रॉप के पीछे बहुत स्टैंड आउट करता है। ये मेरी माँ है, मेरी माँ जो 2021 में गुजर गई थी। सो शी इज़ माई एवरी थिंग, शी इज़ माई इंस्पिरेशन इन लाइफ, एंड आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से। ये है मास्क के साथ मेरा एक बहुत बड़ा एसोसिएशन यही है कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। अभी आपके सामने जो खड़ा हूँ यह दिव्येंदु भट्टाचार्य है, अभी मेरे में कोई करेक्टर नहीं है, कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये सब किरदार है, ये मास्क है। ये एक मेरे फेस में आते ही मेरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। मास्क के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, लेकिन ह्यूमन बींग के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। ह्यूमन बींग एक्सप्रेशन चेंज करके मास्क बन सकते, मास्क इंसान नहीं बन सकता। तो दैट इज़ द फसाद। ये मैं कहीं भी जाता हूँ, मतलब कहीं शूटिंग के लिए कहीं भी जा, किसी भी शहर में जा रहा हूँ, किसी भी प्रांत में जा रहा हूँ, किसी भी देश में जा रहा हूँ, तो सब जगह से मैं मास्क उठा लेता हूँ। आपको पता है कि टोटेम का एक फॉर्म होता है, ये भी टोटेम फॉर्म में जो है, लेकिन इस टोटेम फॉर्म में इसमें हिंदुस्तान के है कि ये गरुड़ा है, ये गणपति है, ये थ्री नाणा, ये श्रीलंका का मास्क है, ये गरुड़ा है, और ये कार्तिकेय है, ये इजिप्शियन मास्क है, जगन्नाथ जी हैं, ये बलराम जी हैं, ये सुभद्रा है। अब आपको एक चीज़ का ओरिएंटेशन समझाते हैं कि जैसे ये जो घर है, ये पहले हमारा ये जो आधा घर था, ये आधा घर का ड्राइंग रूम था, वो जो मेरी बेटी का रूम है अभी। उस वॉल में ऐसा एक फ्रेंच विंडो एक जगह थी जहाँ गणपति जी आते थे, तो मैंने वैसा ही रिप्लिकेट किया कि घर के इसी तरफ इसी जगह पे गणपति जी आए, और इनके उनके लिए परमानेंट स्पेस हमने बना दिया कि कहीं भी हमको कुछ मेकशिफ्ट वेकशिफ्ट ना करना पड़े। दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय हाउस इज माय स्टडी, यू कैन से दैट माय ऑफिस, माय एवरीथिंग, माय स्टूडियो। ये इन्फ्लुएंस बाय जापानीज आर्किटेक्चर, लेकिन जापानीज में काफ़ी पतला होता है, लेकिन ये काफ़ी हेवी हमने रखा है, सो दैट ये कभी हिले ना और मेंटेन करना आसान हो। मेरा जो लाइब्रेरी है, ये थोड़ा सा एंटिक स्टडी है, एंटिक लाइब्रेरी है, इसी जगह में मेरा टाइम स्पेंड होता है लगभग दिन का ज़्यादातर वक्त, कि मैं इधर स्क्रिप्ट पढ़ना, बुक्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें मेरे पूरे लाइफ लॉन्ग की जो स्टडी है, जितने भी बचपन से भी जितने बुक्स मेरे पास बचे हुए हैं, मेरे पास इतने बुक्स नहीं, मेरे पास और भी सारे बुक्स हैं मेरे पास, लेकिन वो कलकत्ता में मेरे घर में बुक्स है। लिटरेचर है, पोएट्रीज है, शरदचंद्र चैटर्जी है, बंकिम चैटर्जी है, स्टानिस्लावस्की एक्टिंग मेथड्स के बुक्स भी है, यू नो कि अभी राइट नाउ टाइम इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसमें मैं पढ़ पाऊँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि शूटिंग में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। ये एक डिफरेंट वॉल है ऑल टुगेदर। मेरी ज़िंदगी के जितने भी छोटे मोटे, जितने भी हासिल किए हुए, जितने भी अवार्ड्स मिले मुझे, वो सब इधर ही है। यहाँ अनदेखी के लिए है,
या क्रिमिनल जस्टिस के लिए है, मनी करनी का फिल्म फेस्टिवल से अभी रिसेंटली 1, 2, 3, 4 नाम का एक शॉर्ट फिल्म वो मिला, ये भी क्रिमिनल जस्टिस के लिए है। ये मिड डे वालों ने मुझे आइकनिक शोबीज अवार्ड दिया है इस बार 2023 में। बीए पास के लिए मुझे जिंदगी के सबसे पहला फिल्मी अवार्ड मिला था बीए पास के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, सिक्स पैक वाला बंदा मेरी माई मॉम के साथ, तो उस टाइम मेरे सिक्स पैक थे ऐसे, जो अभी मेरा फैमिली पैक हो चुका है। ये मेरा एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफ है, किसी ने खींचा था, बहुत अच्छा लगा था, किसी फिल्म में या सीरीज़ में मेरे रूम में यूज़ किया था। नसीर भाई मेरे गुरु है और ओम जी भी मेरे गुरु जैसे ही है, लेकिन नसीर भाई ने मुझे पढ़ाया है। और ये मकबूल का एक फ्रेम है, तो मकबूल जब मैं कर रहा था तो उधर जो स्टील फोटोग्राफर था उनसे मैं मांग के ये फ़ोटो ले लिया, बोला कि ये तो कमाल का फ़ोटो है, ये मेरे घर में रहेगा। दिस इज़ माई किचन। मैं कुक हूँ, जैसे कि आज बहुत ही सिंपल सा एक डिश मैं आपके सामने बना सकता हूँ कि मैं, ये मेरे घर का सबसे फेवरेट डिश है। और मेरे घर में सबको अंडे बहुत पसंद है, अंडे उबाल के उबले हुए अंडे लेने, उबले हुए अंडे रखने, उबले हुए आलू लेने, थोड़ा ये थोड़ा अनियन ले लिया आपने, थोड़ा ग्रीन चिली ले लिया, थोड़ा धनिया पत्ता ले लिया, आप थोड़ा सा आप सरसों का तेल थोड़ा सा डाल दीजिए, एंड यू पुट सम सॉल्ट इन इट, लिटिल मोर सॉल्ट, दैट मस्टर्ड। ये जो मेरा घर है, मैंने आपको बताया कि ये आधा घर उधर से शुरू होता है, तो ये आधा घर का ये मेरा ड्राइंग रूम हुआ करता था। ये सारी चीज़ें फ्लूटेड है, ये भी आपको पता चल रहा है कि ये इधर से भी आपको लाइट दिखता है, लाइट सोर्स के लिए हमने इस तरह भी इसे ब्लॉक नहीं किया, ब्लॉक करके इसको ओपन रखा है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पेंटिंग, यू टॉक अबाउट इट, आई थिंक इट्स 2008, जहाँ जिस टाइम थोड़ा सा इंडिया को रिसेशन हिट किया था, सो उस टाइम वो फिल्म बन रही थी और फिल्म शेल्फ हो गई थी। और लेकिन जो डायरेक्टर ऑफ द फिल्म वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिज क्राफ्ट, तो उसने क्या कि उसने पिक्चर का लुक कैसे बनेगा, कैसा पिक्चर दिखेगा कैसे, उसके लिए उसने कुछ पेंटिंग बनाए थे। एक ये सबसे बड़ी पेंटिंग थी, दो छोटे छोटे और पेंटिंग थे, वो कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन उसके पास रखने की कोई जगह नहीं थी जब वो पिक्चर शेल्फ हो गई थी, तो उसने कहा था कि तेरे घर में वॉल है तो इसको टांग दे। सारे कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, ये मनोज वाजपेयी, ये पंकज कपूर है, ये आमिर खान है, ये एक जूनियर आर्टिस्ट है, ये कमल हसन है, ये मैं हूँ, ये ओम पुरी है। ये एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग नहीं एक फोटोग्राफ है, एक्चुअली फोटोग्राफ ये मेरे ससुराल वाले हैं सारे, ये मेरे फादर इन लॉ है, ये मेरे मदर इन लॉ है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, ये मेरे सिस्टर इन लॉ है, और मेरी बेटी है, बेटा है उनका बेटा है, और मेरी वाइफ मैं। सो ये एक्चुअली एक फोटोग्राफ है जिस फोटोग्राफ को कैनवस के ऊपर टच किया हुआ है। इट लुक्स लाइक अ पेंटिंग बट इट्स नॉट अ पेंटिंग, इट्स अ फोटोग्राफ। तो दिस इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट स्पेस फॉर मी, माई टेरेस, एंड ऑफकोर्स हीरो माई डॉग्स फेवरेट स्पेस, बिकॉज he thinks that he is the actual guard of this building and he is guarding the whole building, to ye wo yahi se chillata rehta hai. Is taraf jo hai mera balcony, ye continue hota hai, ye balcony aise continue hota hai, jo continue hoke ye mera drawing room mein khulta hai, ye mera guest room ke bahar se bhi ek balcony hai. So to iske liye hero ke liye ye bahut khatarnak area hai, agar kisi ko chase karna ho niche usko billi dikhti hai तो वहां से लेके यहां तक वो चेस करता है। तो वी मेड अ जाइगेंटिक डोर, एक्चुअली बहुत बड़ा डोर है, और पूरा ऑफकोर्स अगेन द होल मेरे घर में सारा वुड ही वुड है इस डोर में, भट्टाचार्य नाम लिखा है, लेकिन हमने एक्चुअली इतना ऑब्वियस करना नहीं चाह रहे कि लोगों के घर में लिखा रहता है कि भट्टाचार्य, गुप्ताज, कपूर्स, वो बहुत ही क्लीशे है, बहुत ही अजीब लगता है देखने में सुनने में, तो इसलिए हमने इस पूरे भट्टाचार्य नाम को मॉर्स कोड में लिखा है। ये खिड़की जो है ये ओरिजिनली 150 साल पुरानी खिड़की है, और ये लाया गया था जोधपुर से किसी पैलेस से उतार के। सो मेरा एक साला है पटियाला में, वो उतार के लेके आया था, उसके बाद उसके पास पड़ा हुआ था, वो यूज़ नहीं कर रहा था, तो मैंने बोला कि मेरे को दे दे एज इट इज़। मैंने इसमें कुछ पॉलिश पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं किया,
ये जैसा था वैसा लगाया मैंने, सो दैट इट गिव्स यू अ वेरी रस्टिक एंड रूरल लुक। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे घर आए और मैंने मेरा पूरा घर आपको दिखाया और घर का टूर किया, और कैसे आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, पोचर वो देख लीजिएगा आप, और बहुत इंटरेस्टिंग शो है और काफ़ी लोगों को लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव।